यहाँ पर कांग्रेस से राज्यसभा की प्रत्याशी फूलो देवी नेताम ने अपना नामांकन भर दिया। सहयोगी आशीष उनके साथ हैं। आशीष, धीरे 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 चलिए ना, पैच लाइट आ रहा है। ठीक, आशीष आप तो फूलो देवी नेताम के साथ हैं, बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रही हैं? नेताम मेरे साथ और नॉमिनेशन के लिए पहुंच रही हैं। बस्तर की कद्दावर नेता रही हैं, विधायक रह चुकी हैं, पिछली लोकसभा में भी ये कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी, तुम्हारे साथ हैं। राज्यसभा का नॉमिनेशन आप दाखिल करने जा रही हैं, क्या उम्मीद है? बहुत सारे उम्मीदें हैं। शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा जवाबदारी दी है, सबसे पहले मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभारी हूँ, और जो भी उनके निर्देशन और मार्गदर्शन पे काम करेंगे, काम करेंगी, और किस तरीके से समन्वय बनाएंगी दिल्ली और छत्तीसगढ़ बीच में, छत्तीसगढ़ की जो प्राथमिकताओं को लेकर आपकी महती भूमिका हो। सोनिया जी के मार्गदर्शन पे, उनके निर्देशन पे मिलजुल के अपन काम करेंगे। एक समीकरण जो देखने को मिला कि बस्तर का प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा के तौर पर, उसे किस तरीके से महिला होने के नाते एक गांव के रहने वाली और संगठन में निचले स्तर से काम करते हुए मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा पद राज्यसभा के सदस्य के प्रत्याशी के रूप में मुझे मौका दी। महिला कांग्रेस में भी आप मुखरता से आपने काम किया है, राज्यसभा पहुंचने वाली है, लगभग लगभग तय है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है जब निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। एक सवाल यह है कि बस्तर की आवाज को सदन में बुलंद किस तरीके से? देखिए, महिला कांग्रेस के साथ हमारी जो महिला है, हमारी जो टीम है, एक तरह मेरे को ऊर्जा देते थे, सब लोग तालमेल बिठा के एक सहयोग की भावना से बहुत अच्छे ढंग से हमारी बहनों के साथ काम करने का मौका मिला। और जिस तरह आपने सवाल किया है, मेरा एक मंशा है कि महिलाएं बहुत अच्छी तरह से आगे आए, हम गांव की महिलाओं को प्रेरित करें, उनके सुख दुख में भागीदारी बने और गांव का विकास करें, सुख दुख में भागीदारी बने और महिलाओं को लेकर बस्तर का और छत्तीसगढ़ का विकास करें, ये प्राथमिकता फूलो देवी नेताम की है। बस्तर की वरिष्ठ नेता है और एक ट्राइबल फेस है पार्टी का, जिन्हें अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब फूलो देवी नेताम यहाँ पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं, उनके साथ तमाम महिला मोर्चा की वो सहयोगी हैं, जिनके साथ वो लंबे समय से बतौर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष काम करती रही हैं। और बस्तर की मुखर नेता है फूलो देवी नेताम। छत्तीसगढ़ में जो दो राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, उन दो सीटों में एकमात्र चेहरा बनी है फूलो देवी नेताम, जिन्हें छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है। जो दूसरा नाम है केटीएम तुलसी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है केटीएम तुलसी। केटीएम तुलसी कई महत्वपूर्ण केसों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं, जिसमें राजीव गांधी की हत्या का मामला का जिक्र हो, कांची के शंकराचार्य पर जिस तरीके से मर्डर का मामला चला था उसकी पैरवी उन्होंने की थी, रॉबर्ट वड्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट में तुलसी ही देखते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और तय वक्त है 12 बजे नॉमिनेशन का। मुख्यमंत्री फिलहाल कार्यमंडल समिति की बैठक में विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं और जैसे ही बैठक खत्म होगी तमाम लोग समिति कक्ष में जाएंगे। केटीएम तुलसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कक्ष के भीतर इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद हैं, भूपेश सरकार के तमाम मंत्रियों की यहाँ पर मौजूदगी है और जैसे ही कार्यमंडल समिति की बैठक खत्म होगी तमाम नेता एक साथ समिति कक्ष की ओर बढ़ेंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बिल्कुल आशीष, आपने जिक्र किया कि यहाँ पे दूसरे प्रत्याशी का भी आपने जिक्र किया, बहुत ही एक संतुलन बना के मैनेज करके इन दोनों कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेजने की तैयारी भूपेश सरकार ने की है, क्योंकि एक तरफ जहां आदिवासियों का नेतृत्व फूलो देवी नेताम करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक सिख समुदाय है उसका नेतृत्व भी करते हुए यहां पे तुलसी दिखेंगे, तो एक पूरा जो समीकरण है उसको संतुलित करने की कोशिश की, हर वर्ग को साधना और सबको साथ लेके चलना।
दापुरी जाएंगे नामांकन भरने के लिए, और उसकी नामांकन बिल्कुल तय है, कोई है नहीं, कोई बीजेपी का कोई कैंडिडेट है नहीं, मतलब साफ है ये दोनों राज्यसभा चुन लिए जाएंगे निर्विरोध रूप से। तो बिल्कुल सबको साथ लेके चलने की कवायद तो होगी, लेकिन जरूर यह सब व्यस्तता का दौर होगा। लेकिन छोटा सा कमेंट यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे जी का लेते हैं। सर, किस तरीके से प्रक्रिया हो रही है नॉमिनेशन की? अब दोनों प्रत्याशी आए हैं, अपने फॉर्म में सारे विधायकों के सिग्नेचर हो गए हैं। 12:00 से हमारा समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग के तत्काल पश्चात आ रहे हैं, फॉर्म जमा करेंगे। कार्यमंत्री समिति की बैठक खत्म हुई क्या? अब लिया गया कोरोना के बचाव और सावधानी और केंद्र सरकार की बार बार एडवाइजरी से 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक विधानसभा स्थगित रखेंगे, 26 से फिर विधानसभा शुरू करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच में बता दूं कि कोरोना के मद्देनजर, कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरीके से केंद्र की बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, ऐसे में कार्यमंत्रण समिति की बैठक ने फैसला लिया है कि जो विधानसभा का सत्र 16 मार्च से दोबारा शुरू होना था वो अब 26 मार्च से शुरू होगा। हालांकि जरूर राज्यसभा एक अलग प्रक्रिया है, राज्यसभा के नॉमिनेशन की अलग प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कार्यमंत्रण समिति की बैठक चल रही है, इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर विधानसभा सत्र की कार्रवाई अब टल गई है, यानी सोमवार से, यानी परसों से जो सत्र की कार्रवाई शुरू होनी थी दोबारा, वो अब 26 मार्च से शुरू होगी। ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर निकलकर सामने आया है कार्यमंत्रण समिति की बैठक में रश। और इस बीच जिस मुद्दे पर हम बने हुए हैं कि राज्यसभा नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो सत्ता के चेहरे हैं, प्रमुख किरदार हैं, वो अब समिति कक्ष की तरफ आएंगे। केटीएम तुलसी मौजूद हैं, फूलोदेवी नेताम से हमारी बातचीत हुई है, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है, और अब नॉमिनेशन की ओर ये तमाम लोग बढ़ेंगे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। हालांकि औपचारिकता ही महज है, जब निर्वाचन का औपचारिक ऐलान होगा तब फूलोदेवी नेताम और केटीएम तुलसी, ये दो चेहरे ही ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपना कोई भी उम्मीदवार उतारा नहीं है। संख्या बल की बात करें तो सदन के भीतर मैच 15 सदस्यों की उपस्थिति बीजेपी की है। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़ा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जो दो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं, फूलोदेवी नेताम और केटीएम तुलसी, इनकी महज औपचारिकता ही बाकी है। ये तय है कि ये दोनों चेहरे छत्तीसगढ़ से जो दो सीटें खाली हो रही हैं उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिल्कुल, वाकई में। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जहाँ से बस्तर से प्रतिनिधित्व करती हैं फूलोदेवी नेताम, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, महज एक औपचारिकता है। वहीं आपने तुलसी का भी जिक्र किया कि किस तरह से उनके बारे में भी आपने बताया, तो यहाँ पे ये तो साफ है पूरी तरह से कि ये दो ही छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं। और क्या कुछ हलचल और देखने को मिल रही है, किन किन की और मौजूदगी वहाँ पे है इस वक्त? मौजूद है आपके पास?